First of all, good morning to all of you. In the last video, we discussed the concept of organizing as well as the definition of organizing. What is organizing? You know very well. Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enable people to work most efficiently, effectively together in accomplishing objective. किसी भी objective को achieve करने के लिए जो भी हमें काम करना है, जो भी work करना है, उसको identify करना, उसको group करना, उस काम को perform करने के लिए authority and responsibility को भी define करना, authority and responsibility को भी delegate करना, और different people of the work जो business में काम कर रहे हैं उनके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, इट इज़ द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. यानी ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी वर्क करना है, ऑल दोज वर्क विच हेल्प्स टू अचीविंग अ गोल, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी वर्क है उनको आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना, ओके, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करना एंड उसको डेलीगेट करना. डेलीगेट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एज वेल एज जो पीपल वर्क कर रहे हैं बिजनेस में उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, इट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. ओके, आई होप ऑर्गेनाइजिंग क्लियर होगा. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी firstly identifying and grouping the work to be performed, number 2 defining and delegating responsibility and authority, and number 3 establishing relationship of enabling people to work. With the help of these things they effectively achieve their predetermined goal. The second definition: organizing is the process of defining and grouping of the activities of the enterprise, the establishing authority relationship among them. Yani ki dusri definition ke according keh raha hai ki organizing ek aisa process hai jisme hum activities ko define karte hain, unko group karte hain, and logo ke beech mein authority and relationship establish karte hain. एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अगर आपने एक छोटा सा स्कूल खोला तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को पढ़ाना, दूसरा टाइमली बच्चों से फीस लेना. अब बच्चों को पढ़ाने के लिए मान लीजिए आप 5 मेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन. तो आपके सामने पढ़ाना एक टास्क है, दूसरा बच्चों से फीस लेना और उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना. तो मैंने एक्टिविटी डिसाइड कर ली कि मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि मेरा स्कूल अच्छे से चलता रहे, उसके लिए मैंने एक्टिविटी डिसाइड की, कौन कौन सी एक्टिविटी उसको डिफाइन किया, जो सेम नेचर ऑफ द एक्टिविटी उनको ग्रुप किया, और कौन बंदा काम करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिपोर्ट करेगा कि देखिए मेरा ये काम हो गया, ये डिसाइड करना. जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ कोई टीचर वर्क कर रहा है, तो वो अपना काम पूरा करेगा तो किसको जाके रिपोर्ट करेगा, उसके लिए भी एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए. सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस वेयर एज ऑर्गेनाइजेशन इज द रिजल्ट. यानी ऑर्गेनाइजिंग से ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन तभी फॉर्म्ड हो पाता है व्हेन वी follow the process of organizing. So the next step of today's video is process of organizing. The following steps are to be undertaken in the organizing process. The first step is identification and division of work. The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with the previously determined plans. Work is divided into manageable tasks so that the duplication can be avoided. With the help of
फर्स्ट स्टेप, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी वर्क करना है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बांटना, ये करते हैं। वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल टास्क, जिससे डुप्लीकेशन नहीं होगा कि एक काम दो लोग नहीं करेंगे। जैसे साइंस पढ़ाना है स्कूल में तो साइंस के लिए एक बंदा रखेंगे और वो बंदा एक बार जाके एक किसी क्लास में पढ़ाएगा, फिर दूसरी क्लास में जाके पढ़ाएगा, ताकि एक ही सब्जेक्ट बच्चों को बार बार ना पढ़ाना पड़े और उसे भी एक क्लास में बार बार ना पढ़ाना पड़े। सो डुप्लीकेशन नहीं होगा एंड वर्कलोड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, काम को बांट दे रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क एज वेल एज द डिविजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ओके, पहला स्टेप क्लियर हुआ। नंबर सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। वॉट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड टू स्मॉल टास्क एंड मैनेजेबल एक्टिविटी, देन दोज एक्टिविटी विच आर द सिमिलर नेचर आर ग्रुप टूगेदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, काम कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और काम को बांटते हैं, फिर जो सेम नेचर ऑफ द वर्क होते हैं उनको आपस में ग्रुप कर देते हैं, और इसी को ग्रुप कहना क्या कहलाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, स्कूल मैं शुरू से एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि मुझे स्कूल चलाना है, उसमें टीचर्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, स्टूडेंट्स होंगे। सो स्कूल को चलाने के लिए पहले मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले जो वर्क है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या काम है। टीचिंग का काम है, मैनेजमेंट का काम है और स्टूडेंट की फैसिलिटी का काम है, तीन वर्क है। इन वर्क को मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उन सब में काम को बांट दिया। मैनेजमेंट का, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टीचर्स में कौन साइंस पढ़ाएगा, कौन मैथ्स पढ़ाएगा, कौन सोशल साइंस पढ़ाएगा, कौन हिस्ट्री पढ़ाएगा, कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, ये सब बांट दिया। कौन फिजिकल एजुकेशन पढ़ाएगा, कौन लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, दिस काइंड ऑफ इज़ अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क। मैनेजमेंट का काम क्या होगा, जो ये देखेगा कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करेगा, फीस कलेक्ट करेगा, उनके टीचर्स को प्रॉपरली क्या देगा, टाइमली सैलरी एंड वेजेस देगा, स्टूडेंट से भी टाइमली सैलरी रिसीव करना है, मैनेजमेंट का काम है। देखिए इतने सारे वर्क आइडेंटिफाई हुआ है और उन काम को मैंने आइडेंटिफाई करके फिर बांटा, और फैसिलिटी जो प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को कि उनके क्लासरूम में फ़ैन हो, लाइट की फैसिलिटी हो, रूम प्रॉपर वर्किंग नेचर में हो, ये सब चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की। अंदर आपने उस काम को डिवाइड किया और जो सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क है उसको मैंने ग्रुप कर दिया। जैसे क्लास सिक्स में, क्लास इलेवेंथ में साइंस पढ़ाना है, क्लास ट्वेल्व में साइंस पढ़ाना है, नाइन्थ में साइंस पढ़ाना है, टेंथ में साइंस पढ़ाना है, इतनी जगह साइंस पढ़ाना है, तो ये सेम नेचर ऑफ द वर्क है ना साइंस पढ़ाना है, तो उसको मैंने ग्रुप कर दिया, उसके लिए एक साइंस डिपार्टमेंट बना दिया कि वो साइंस बंदा पढ़ाए, क्योंकि साइंस में कई सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। उसी तरह से क्लास इलेवेंथ में कॉमर्स पढ़ाना है, क्लास ट्वेल्थ में कॉमर्स पढ़ाना है, तो सेम नेचर ऑफ द वर्क है। पहले मैंने उसको डिवाइड किया कि क्लास इलेवेंथ में कॉमर्स में क्या क्या पढ़ाना है, अकाउंट्स पढ़ाना है, बीएसटी पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, ट्वेल्थ में भी अकाउंट्स पढ़ाना है, बीएसटी पढ़ाना है और इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, तो उसमें सेम नेचर ऑफ द वर्क है, अकाउंट्स अकाउंट्स, बिजनेस बिजनेस, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। तो इन सबको मैंने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उनका डिवाइडेशन किया, ये क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क, फिर उस काम को बांट दिया स्मॉलर लेवल में, फिर जो सेम नेचर है अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी उसको आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स वेन वर्क हैज बिन डिवाइडेड इन टू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी, देन दोज एक्टिविटी विच आर द सिमिलर नेचर आर ग्रुप टूगेदर एंड दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स एक्टिविटी विच आर डिवाइडेड इन टू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी विच आर सिमिलर नेचर आर ग्रुप टूगेदर विच इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शन एंड टेरिटरी। यस,
इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट के बेसिस पे भी बनते हैं, फंक्शन के बेसिस पे बनते हैं, टेरिटरी के बेसिस पे भी बनते हैं. ओके, द सेकेंड इज द थर्ड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. वंस अ डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड, ईच डिपार्टमेंट प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड डिपार्टमेंट हेड. देन ईच जॉब इज एलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल. देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. मैंने काम को आइडेंटिफाई किया, डिवाइड किया, फिर जो सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क था उसको एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया. अब उस डिपार्टमेंट का कोई एक हेड होगा, वो हेड उस डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी बंदे हैं, उनके नेचर, स्किल, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको काम प्रोवाइड करेंगे और इसी को बोलेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज? जॉब इज एलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल. And the important thing is a proper match between the nature of job and ability of an individual. Okay, this last and fourth steps of the organizing, that is establishing reporting relationship. अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ड्यूटी के लिए मेरी कोई ना कोई, मुझे कोई ना कोई अथॉरिटी मिली होगी, एज वेल एज कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी. तो हम अपने काम को पूरा करने के बाद हम किसी न किसी के लिए तो एंसरेबल होंगे. अगर वो काम सही हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं. लेकिन अगर वो काम टाइमली नहीं हो रहा है, काम इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, देन इन सच सिचुएशन हमें किसी न किसी को तो जवाब देना पड़ेगा. सो इसके लिए हम द फोर्थ स्टेप विल बी फॉलोड, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. इन द ऑर्गेनाइजेशन ईच एम्प्लॉई हैज सम अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, इट इज़ नेसेसरी डेट एवरी इंडिविजुअल मस्ट नोन हुम ही हैज टू बी टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हुम एंड टू रिपोर्ट. यानी जो इंडिविजुअल जिसको ड्यूटीज असाइन हुई है, जॉब एलोकेट हुआ है, उसको ये भी तो पता होना चाहिए उसको ऑर्डर किससे लेना है और किसको जवाब देना है. दिस क्रिएट्स सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स हायरार्की. जैसे स्कूल में क्या होगा, सबसे टॉप में स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे होगा उस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर और उसके नीचे होगा टीचर्स. तो प्रिंसिपल ऑर्डर देंगे किसको, कोऑर्डिनेटर्स को, एंड कोऑर्डिनेटर्स किसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, टू द टीचर्स. तो और कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं. तो प्रिंसिपल ने क्या किया, ऑर्डर दिया टू द कोऑर्डिनेटर, एंड कोऑर्डिनेटर ने किसको ऑर्डर दिया, टू द टीचर्स. सो टीचर्स किसको रिपोर्ट करेगा, टू द कोऑर्डिनेटर, और उन्हीं से ऑर्डर लेगा, और ये किसको देगा, प्रिंसिपल को. क्लियर? कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो हियर इट इज अ फोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. द फर्स्ट वन, आइडेंटिफाइंग द डिवीजन ऑफ द वर्क. नंबर टू, डिपार्टमेंटलाइजेशन. नंबर थ्री, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. एंड नंबर फोर, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग. So you can see that the first segment of this video, that is what is organizing, and the very important and very famous definition of organizing is a process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing authority relationship among them. यानी ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस के एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं, और बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क करते हैं उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा. एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सी दैट द प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन, दे आर बेसिकली फोर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिविजन ऑफ वर्क मतलब वर्क को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना वर्क को, एज वेल एज डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जो एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की हैं उनको ग्रुप कर देना, उनको एक जगह कैरी कर लेना. जैसे ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंक्लूड करना. सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सेल्स डिपार्टमेंट में इंक्लूड करना, इट इज़ नोन एज द डिपार्टमेंटलाइजेशन. The third step of process of organizing is assignment of duties. After the departmentalization, employees ke ability ke according, unke skill ke according, unko duties kya karna
एलोकेट करना, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबॉर्डिनेट है. इट मींस कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे उस ऑर्डर की कंप्लीशन की उम्मीद रखेगा, एक्सपेक्टेशन रखेगा. ओके, सो यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ अ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. द फोर स्टेप आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. यू नो वेरी वेल डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन, दस वर्क कैन नॉट बी प्रोसीड इन इट्स अब्सेंस. सो बिजनेस में हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हम वो अकेले नहीं कर सकते. अगर ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन भी पढ़ें तो व्हेन टू और मोर देन टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल, तो यहाँ कम से कम दो लोगों की बात की जाती. तो क्या हम कोई काम अकेले कर सकते हैं बिजनेस का? नहीं. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क करते हैं, देयर आफ्टर डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं. सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक कंपल्सरी एक्ट है, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अपने ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ को अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता, उसे अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. वेयर इज़ अ डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, इट इज़ डन एट द डिस्क्रेशन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दस वर्क कैन प्रोसीड इन इट्स अब्सेंस. यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना काम नहीं हो सकता, बट डिसेंट्रलाइजेशन के बिना काम हो सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन पॉलिसी है. अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है, पर्टिकुलर वर्क पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही कराना है, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. रही बात फ्रीडम ऑफ एक्शन की, तो ऑन द बेस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैव अ लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीजन, बट इन डिसेंट्रलाइजेशन देर इज अ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन. ओके, एंड ऑन द बेस ऑफ स्टेटस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन फ्रेम बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट. यस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ पार्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये डिवीजन ऑफ वर्क का एक रिजल्ट है. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि उसे अपनी एक्टिविटी को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. हम डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैज़ अ नैरो स्केप बिकॉज इट इज़ लिमिटेड टू सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट. यानी जनरली अगर हम देखते हैं डेलीगेशन अथॉरिटी जो होता है वो सुपीरियर अपने नियरेस्ट सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट करता है. वेयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइड स्कोप बिकॉज इट इम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना, एट एवरी लेवल, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल हो. The purpose is reduction of the workload on an officer. Delegation of authority का main purpose होता है कि जो officer के ऊपर work का load है उसे कम किया जा सके. वहीं decentralization का main aim होता है authority को distribute करना, expansion of the authority in organization, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा authority देता ताकि वो अपने responsibility को easily perform कर सके. So at the end we can say when a person hands over his work to the another it is known as delegation. It will be known as decentralization only when the authority to complete the entire work is handed over to him. यानी एक बंदा, एक पर्सन अपने काम को दूसरों को सौंपता है, अपना काम किसी दूसरे को देता है, तो उसे हम लोग डेलीगेशन कहते हैं. लेकिन जब काम देने के साथ साथ उस काम से रिलेटेड पूरी अथॉरिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देना, दिस इज अ डिसेंट्रलाइजेशन. मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आप लोगों को कि सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, वही खुद डिसीजन लेता है, वही परचेस मैनेजर भी है, वही सेल्स मैनेजर भी है, वही फाइनेंस मैनेजर है. उसने देखा कि मेरे पर बहुत बर्डन है तो उसने अपने यहाँ एक प्रोडक्शन मैनेजर रख लिया, तो उसे हम लोग बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. या अपने सबऑर्डिनेट को कहा कि तुम प्रोडक्शन का काम तुम देखो, परचेस फाइनेंस का मैं देख लूँगा,
क्योंकि मेरे पर काफ़ी वर्कलोड है, इट इज़ अ डेलीगेशन। लेकिन अगर वही उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर रख लिया, दिस इज़ अ डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि उसने हर लेवल पे अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के बीच में। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जनरली स्टूडेंट इस टॉपिक पे कन्फ्यूज होते हैं। हमने एक इस पूरी वीडियोस के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये डिफरेंस डिस्कस किया था, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड इंटायरली, एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। इसका मतलब ये होता है, ईजली वर्ड में बोलें कि अथॉरिटी को तो आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को अथॉरिटी दी जा सकती है, तभी तो हम लोग डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ रहे हैं। अगर अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर पाते तो ना तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ पाते, ना डिसेंट्रलाइजेशन टर्म होता। बट इन केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हम लोग ये चीज़ फॉलो देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड इंटायरली, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं दे सकते, एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। हम अकाउंटेबिलिटी तो पूरा दे ही नहीं सकते, दोनों में डिफरेंस है। अथॉरिटी हम दूसरों को दे सकते हैं, मेरे पास किसी काम की अथॉरिटी है, ठीक है, बट हमने किसी दूसरे को काम दिया, काम को परफॉर्म करने के लिए उस बंदे के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, तो मैंने उसको अथॉरिटी भी दे दी, दिस इज कॉल्ड अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरा नहीं दे सकते, पार्शली दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 100 यूनिट्स बनाने की, ठीक है, अब मैंने किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे की तुम 50 यूनिट तुम बना देना, ओके, तो क्या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी कि 50 यूनिट्स उसी को बनाना है? क्या मेरी पूरी 100 की 100 यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है? नहीं। मैंने अगर उसको 100 यूनिट बनाने के लिए भी दे दिया ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, ओके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरी तरह से डेलीगेट नहीं कर सकते, और अकाउंटेबिलिटी तो कर ही नहीं सकते, यानी अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? मेरी रहेगी। इसको हम और इजीली समझाते हैं। सपोज ही इज अ परचेस मैनेजर, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसको टारगेट था 100 यूनिट्स बनाने की, उसने वो काम दे दिया अपने मिस्टर एक्स को कि तुम 100 यूनिट्स बनाना, ठीक, उसने अथॉरिटी दी, तो अथॉरिटी है, वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसने एक दिन में 90 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। अब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, हु इज़ अकाउंटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन? सर, प्रोडक्शन मैनेजर। फर्म किसको पकड़ेगी? प्रोडक्शन मैनेजर को। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी तो डेलीगेट कर दिया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकता है? सर, कर सकता है, लेकिन पूरा नहीं कर सकता, यानी पूरा का पूरा 100 यूनिट बनाने की जिम्मेदारी क्या मिस्टर एक्स की है? नहीं। इसका कोई रोल नहीं है प्रोडक्शन मैनेजर का? है सर। वो पूरा नहीं कह सकता कि इसी को बनाना था, मिस्टर एक्स इज़ रिस्पॉन्सिबल, मेरा कुछ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी में क्या दे कि नहीं, मैंने तो अपनी अथॉरिटी इसको दे दी थी, इसको बनाना था? नहीं, वो नहीं कर सकता, यानी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी तो कर ही नहीं सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है, बट उसका पार्ट कुछ कर सकता है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड, एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अकाउंटेबिलिटी तो किया नहीं जा सकता, अथॉरिटी किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ पार्ट हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं। नाउ अब हमें ये चीज़ समझने में ईजी रहेगा कि दिस पार्ट, व्हाट कैन बी डेलीगेटेड और कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। सो इस टर्म को पूरा पढ़ लेते हैं। अ मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट हिज ऑल हिज अथॉरिटी। फॉर द पर्पज ऑफ डेलीगेशन, द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अथॉरिटी विच मस्ट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी टू टेक रूटीन डिसीजन फॉर द एक्सेक्यूशन ऑफ टास्क,
Number B, authority which can be delegated as administration of policy. Number C, authority which cannot be delegated at all as authority to take policy decision. A successful manager is one who can delegate his authority successfully. He must delegate the authority to do work of routine and subsidiary nature. For instance, a marketing manager of a business entirely responsible for many operations like conducting marketing research, development of means of sales promotion, management of advertisement, employment and training of sales forces. The marketing manager cannot look after all these operations. He can entrust the responsibility of the performance of the sum of these operations to his subordinates. However, he cannot delegate the authority to take decision and to coordinate the control the affair of department. He must reserve this authority with himself so that he can get a better performance from his subordinate, is able to keep the activities of his department well under his control. So after the reading this passage, we can easily understand कि कोई भी बंदा पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता. अगर वो पूरा अथॉरिटी दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उस पोस्ट पे नहीं है. तो जैसे इस पूरे पैसेज में हमने पढ़ा एग्जांपल में कि मार्केटिंग मैनेजर उसके अंदर में कितने काम हैं. फर्स्ट मार्केटिंग रिसर्च, सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ सेल्स प्रमोशन, नंबर थ्री एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेल्स फोर्स. ये चार काम हैं. क्या वो सारे काम को देख सकता है? नहीं सर. तो उसमें से किसी एक काम को वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर सकता है, दो काम को शेयर कर सकता है, और उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है. तो अथॉरिटी प्रोवाइड होगी तो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उस पर्टिकुलर उस काम के लिए उसके सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन बाकी काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैनेजर की खुद होगी. और अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी? एंसरेबल कौन होगा फर्म के लिए? एंसरेबल होगा मैनेजर ही. यानी इन केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी रिलेटेड टू द ऑथराइज्ड पर्सन. यही मुझे समझाना था आप. सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी ऑल्सो डिस्कस what are the content which we studied under this chapter number 5, that is organizing. Under this chapter we discuss concept and definition of organizing process, importance of organizing, and in the organizing process we discussed there are four steps. Number second step is departmentalization. सो डिपार्टमेंटलाइजेशन के दो बेसिस थे, हमने पर ये भी डिस्कस किया. द फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेस ऑफ फंक्शन एंड नंबर टू इज़ ऑन द बेस ऑफ रीजन, दैट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एज वेल एज वी डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एनी ऑर्गेनाइजेशन विच आर द मिक्सचर ऑफ द फॉर्मल एज वेल एज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. And at the end of this chapter, we discussed the delegation of authority, elements of delegation process, and importance of delegation of authority, decentralization, importance of decentralization, and the difference between authority, responsibility, and accountability. So I hope कि ये सारे chapter के जितने भी topics थे वो आपको easily समझ में आए होंगे. If you have any kind of doubt related to this chapter, please ask me in the WhatsApp group. Aaj ke liye itna hi. Thank you. Thanks a lot. So in the second segment of this video, you can see that the very important difference, that is delegation of authority and decentralization. So what are the difference between of delegation of authority and decentralization? Basically, delegation of authority is applicable in the small businesses. Jab business chota hota hai, to wahan जब कोई टास्क बड़ा होता है, मान लीजिए कोई छोटा बिजनेस है और वहाँ टास्क बहुत बड़ा है, तो सिचुएशन में हम उस काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हैं. एंड यू नो वेरी वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ चाहिए अथॉरिटी. तो इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वी फॉलो द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बड़ी हैं, टारगेट भी बहुत बड़ा है, तो वहाँ हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करके काम नहीं कर सकते.
वहाँ हमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। सो दैट्स वाई डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करते, बल्कि पहले डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद डिपार्टमेंट वाइज लोगों को अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी उसमें डिसीजन पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, एज वेल एज इन दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो सी दैट वॉट कैन बी डेलीगेटेड और कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, कि क्या डेलीगेट किया जा सकता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट की जाती है। आज हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अ लॉट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड वॉट कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड और नॉट। So I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. Aaj ke liye itna hi. Thank you. Thanks a lot.